अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू डी ब्रीफ एंड आई होप आप लोगों का कल का दिन अच्छा गुजरा हो तो आज के एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम लोग कल के कमेंट्स देखेंगे हमारे साथ उससे पहले मैं आपको बता दूंगी हमारे साथ मौजूद है साइम रहमान हेलो गाइस और अफीरा हाय तो सबसे पहले हम लोग कल के एपिसोड के नीचे कमेंट्स देखते हैं उसके बाद इन आज के दिन स्टार्ट करेंगे तो होप आप लोगों ने कमेंट लगा ली हूँ ठीक uh. है तो साइम भाई आप भी देखते ना अगर कोई कमेंट पॉपअप होता है यार मुझे मैं अभी भी हंस रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ही लगा था ब्रीदिंग सो लाउडली अच्छा तो उसको मैं एड्रेस कर दूँ कि मैं कल था कल हमारे एक माइक के ऊपर जो अभी आप देख सकते साइम के पास है इसके ऊपर पॉप फिल्टर नहीं था

उसके अलावा बस एक लम्स पे भी हाँ। का है हाँ। इनका <laughs> एक था कि रुके मुझे लेट मी फाइंड इट कौन सा वाला था वो ल वही पिछले वाले का था इसी का था

देखें ये इस तरह का रॉ फॉर्मेट है ना कि इसमें कभी ना कभी कटिंग हो ही जाती है तो कंटेंशियली मैं किसी को कट नहीं करता एक्चुअली हैदर डिस्क्लेमर दे रहा है कि आज ही हम दोनों के साथ <laughs> वही करने वाले हैं <laughs> नहीं, नहीं 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 आज मैं अपने गेस्ट्स को जो है ना बहुत मटका दूंगा टुडे विल नॉट बी अ हैदर शो

Uh, जो न्यूज तो yes, right? तो बेसिकली चेयरमैन उसका इमरान खान बेसिकली लुकिंग इन टू हू शुड बी अपॉइंटेड नेक्स्ट एंड सो रमीज राजा की तरफ बात जा रही है एंड उन्होंने कहा ये चेयरमैन ऑफ पी सी बी एंड ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है क्रिकेटर हिमसेल्फ मैंने रमीज राजा को इतना ज्यादा मतलब नहीं फॉलो किया mm -hmm. मेरे टाइम का नहीं था yes. और मेरे उसके बारे में जो मेमरी है वो बस यही थी कि नाइन टू में वर्ल्ड कप हुआ था एंड उस वर्ल्ड कप को मैंने बाद में आकर देखा था बट uh, इमरान खान की वो लास्ट बॉल थी इंग्लैंड के खिलाफ एंड mm. उस पर जो कैच किया था वो रमीज राजा ने किया था एंड वो खुशी कम का मौका था हमारी कंट्री के लिए और सारा बाकी एज अ अ मैंने इसे देखा एंड एंड आई फ्रॉम दैट वी कैन टेल की इज़ वेरी नॉलेजेबल मैन उनकी उनकी कॉमेंट्री बहुत अच्छी वगैरह होती है बट mm. जो इस mm. पे ये टेक है कि हाउ ही विल बी एज अ चेयरमैन आई डोंट नो डू यू थिंक मेरे ख्याल में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ हो अगर तो रमीज राजा बन जाते हैं चेयरमैन तो उनकी बहुत क्लियर पॉलिसी है ऑन फिक्सिंग hmm. के कितना स्ट्रिक्ट uh, उनका hmm. बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस है ऑन के मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट ठीक है तो मुझे लगता है कि वो चीज uh, बहुत अच्छे से एड्रेस हो जाएगी अच्छा अफिरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे अभी ये नया नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पीसीबी इज बीइंग सो तो व्हाई इज इमरान खान डूइंग दिस इलेक्शन एंड नॉट द इज द PCB itself is not at that uh, is not uh, at that level that they can select their own. Uh, Actually, channel. Imran Khan has nominated a person, ठीक है? Mm -hmm. और PCB के अंदर I'm not uh, really sure के वो कमेटी का नाम क्या है but mm. उसके अंदर एक कमेटी होती है जो uh, elections करती है तो mm. अब दो uh, दो nominations हैं ऐसान मानी and रमेश राजा तो उनमें से अब अच्छा। एक बंदा सेलेक्ट होगा सो so, इमरान खान ने अपॉइंटमेंट नहीं उस तरह से की कि अच्छा जी बस एक बंदे ने कह दिया एंड no. नो तो वो नॉमिनेशन थी जो एक कमेटी के पास जाएगी और उसके बाद सिलेक्शन होगी सही 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 सेकंडली हमारे पास जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच चल रहा है

books by becoming quickest Asian to make five test 100s so wow. like that is amazing and साथ ही साथ जो इधर में पढ़ा था ESPN की records में तो यहाँ पर एक और इसका record क्या है नहीं डेब्यू वाला तो चलो दैट्स को खेलते हुए देखा ना तो मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था लाइक इतना रिलीजियली फॉलो करना छोड़ दिया था उससे पहले मैं देखता था बहुत ज्यादा अभी भी कोई आ रही थीबल कैच

Hmm. मतलब कभी भी कोई मैंने कभी ऐसा फेज नहीं देखा कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन हुई है उसमें सब खुश हो hmm. कोई ना कोई hmm. एक बंदा कोई ना कोई एक पार्टी होती है जो ये बोल रही थी कि इसमें है तो आपको याद है जो इनाम उलहक इनाम उलहक नाम है, क्या नाम इमाम उल्क इमाम उलहक की जो थी सिलेक्शन पूरी एक पूरी तो लेकिन मुझे

Uh, मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं लाइक इमाम इज़ वेरी गुड प्लेयर ठीक है लेकिन इमाम उसी टीम में खेल रहा था जिसमें जिसकी मैनेजमेंट में, uh, जिस में इंजमाम हक़ थे ठीक है hmm. ये क्वेश्चन मार्क है ना ठीक है एंड अगेन आज़म खान उसी टीम में खेल रहा था जिसमें उनके फादर मुइन खान मैनेजमेंट में थे ठीक है तो ये चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए अगर अच्छे प्लेयर्स हैं तो इस तरह के बार बार आपकी परफॉर्मेंस पे और आपकी इस तरह की इश्यूज पे अगर क्वेश्चन मार्क्स आते रहे तो वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है आई फील लाइक

इसी वजह से वो स्टीम में है कि वहां पर कोई ये तो हमारा एक, एक, ये तो हमारी ऑब्जर्वेंस हाँ एक, एक, अब हाँ, है ना वेरी

बाराल, The long that's a discussion <laughs> जो इसके बारे में मैं भी नजर आ रहा है इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है हा, बट हाँ पी एस एल इज फॉर वी नीड इंटरनेशनल तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं अपनी हमारे पास अभी एक और न्यूज़ ये है कि जो इस जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे या तो ट्विटर पे भी और ट्विटर वगैरह पे भी एक वर्ड बहुत पॉपअप हो रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर के नाम से जो कि पाकिस्तान के अंदर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा ट्विटर थ्रेड थ्रेड ट्विटर थ्रेड्स में आप ये वर्ड पढ़ते होंगे न्यूज़ पर कहीं ना कहीं सुनते होंगे तो हम लोग अफीरा आप थोड़ा हमें बताएं कि वट वट इज़ हाइब्रिड वॉरफेयर और ये क्या जैसे मैं और हम जेनजीज़ ट अच्छा बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर इज लाइक कि जब स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स कन्वेंशनल मिलिट्री यूज करके मतलब वार, वार ना लड़ रहे हो ठीक है अब हाइब्रिड वॉर हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि हाइब्रिड वॉर का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ठीक है उसमें आपके नॉन स्टेट स्टेट एक्टर्स में आपकी मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं जैसे इन पाकिस्तान हम बात कर सकते हैं टी टी पी के बारे में टी -टी ठीक है आ, एथनो नेशनलिस्ट जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बी एल ए की हम बात कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा हाइब्रिड वॉरफेयर वार्फ, में आपकी साइब, साइबर अटैक्स भी आ सकते हैं उसमें आपकी जो डिसइनफॉर्मेशन केम्पेंस होती हैं जो एट टाइम स्टेट रन होती हैं और एट टाइम्स नॉन स्टेट एक्टर्स उसको रन कर रहे होते हैं जो हम लोगों ने पिछले दिनों जैसे ट्विटर पे देखा था कि काफ़ी सारे ऐसे ट्रेंड्स थे जो कि पाकिस्तान जैसे हाँ, इस तरह के बहुत बिल्कुल, सारे exactly, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ तो दिस इज पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉर ठीक है जिसमें आप अपना कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स नहीं यूज कर रहे बट आप आ, म, आप डिफरेंट मीन यूज कर रहे हैं टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर गोल ठीक है हुँ, तो दैट इज बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर तो अभी रिसेंटली अगर हाइब्रिड वॉर मतलब पाकिस्तान में हाइब्रिड थ्रेट की हम लोग बात करते हैं तो एक जुलाई में अटैक इंसिडेंट हुआ था दासू अटैक उसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स को बेसिकली टारगेट किया गया था जो दयामीर भाषा डैम पे काम कर रहे हैं ठीक है और उसमें अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट सम चाइनीज़ इंजीनियर्स एंड पाकिस्तानी जो फोर्सेस के लोग हैं ठीक है अभी अगस्त में एक गवादर में अटैक हुआ ऑन चाइनीज़ मोटरकेट और, मोटर और उसमें लकीली चाइनीज़ मतलब कोई कैजुअलिटी नहीं हुई लेकिन दो पाकिस्तानी बच्चे मतलब शहीद हुए हैं उसमें ठीक है सो बेसिकली जो दासू की इन्वेस्टिगेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फॉरेन मिनिस्टर में तो उसमें यह था कि जी इंडियन इन्वालमेंट किस तरह से है और इंडिया अफ़गान सॉयल किस तरह से यूज़ कर रहा है mm -hmm. तो दिस इज़ ऑल अबाउट अभी जो हाइब्रिड थ्रेड पाकिस्तान में चल रही है कि मतलब इंडिया अफग़ानिस्तान की और ये बहुत मतलब बहुत रेलिवेंट चीज़ हो जाती है ना कि mm -hmm. इंडिया पिछले कितने सालों से अफगानिस्तान को यूज़ करता mm -hmm. रहा है हम बात जो लोग आईआर और पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं वो ये सुनते होंगे कि जी अच्छा अफगानिस्तान में इंडियन चौदह या बाईस कौनसुलेट हैं तो वो क्या काम करते हैं एक कंट्री में दूसरी कंट्री के इतने सारे कौनसलेट्स क्यों हैं और मोस्ट ऑफ़ द कौनसुलेट्स वो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ उन्होंने बनाए तो फिर अब ये बातें समझ आती हैं ना कि नहीं। नहीं। इंडिया किस तरह से दूसरे ममालिकॉयल को यूज़ कर कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान

और उसके 2012 के बाद भी आ, आ, जो है ना जाते रहते को तो हैं कोयटे के हमारी फैमिली वगैरह ख़ानदान वगैरह सारा वहाँ है तो जो टाइम मैंने ख़ास तौर पे 2007 से 2012 हज़ार mm -hmm. में देखा दैट वॉज वन ऑफ़ द मोस्ट टेरराइजिंग टाइम फॉर मी एंड माई फैमिली एंड वन ऑफ़ द मेजर रीजन फॉर अस टू गेट आउट ऑफ कोयटा एंड गेट कम टू इस्लामाबाद एंड मूव आर एंटायर फैमिली हेयर वॉज बिकॉज देर वॉज अ वे देर वॉज अ लॉट ऑफ

but the rise of BLA started in 2007 hmm, in Quetta hmm. and they were there they were this separatist movement ke hmm. unka agenda ye tha ki acha i'm sorry main baat kaat rahi hu uh, for those jo jinko nahi pata ki ke BLA kya hai hmm. this is balochistan liberation army balochistan yes. liberation army yes, hmm. this is balochistan liberation army main unko hi bata raha tha there is they have a separatist uh, there is separatist militant group जो कि इस बात पर काम करते हैं कि बलोचिस्तान शुड बी अनदर शुड बी अनदर कंट्री और ये यही था कि इनके पास इनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी लोकल इनको लोकल बलोच की भी सपोर्ट नहीं थी लोकल की लेकिन टू थाउजेंड सेवन में सडनली दे गॉट सो बिग

बिलबिएले का, का एक वो मारा है कारवान पकड़ा है तो सारे वेपन इंडियंस हैं hmm. सारे वेपन जो बरामद होते थे उनके ऊपर जो उनकी उनकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इंडियन ऑर्डिनेंस hmm. फैक्ट्री है तो ना उनकी स्टैंप लगी हुई hmm. है तो इस तरह के अगर एनोड जैसे आप कलवेशन ज्यादा बोल रहे हैं इस तरह के एनोडटल एविडेंस पर जाएं तो फिर तो मतलब कोई शक ही नहीं रहता

पिक्चर आई थी एकदम ट्विटर पे वायरल हुई थी कि जब तालिबान वहां पहुंचे तो पाकिस्तानी रुपीस के मतलब स्टैक्स लगे हुए थे हजारों हजार वाले पांच हजार वाले पाँच सौ वाले, वाले नोटों में अच्छा तो वो वो क्या पैसा था वो वो पैसा था जो स्पिल होकर कोयटा में आ रहा था मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए और जो भी जिन जिन लोगों का भी वो पैसा था उनके मुफाद में इस्तेमाल होने के लिए तो उन्होंने इतनी पाकिस्तानी करेंसी वहां स्टैक करके रखी हुई

समझ नहीं hey पानी से हाँ, नहीं। हाँ। तो वो ये सब जगह ना वो कम मेरे थी। ख्याल में जब हम हाइब्रिड वॉर की बात कर रहे हैं ना तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत मतलब हमारी यूथ को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि इंडिया क्यों ये एक्टिविटीज़ करवा रहा है या मतलब डिफरेंट तरीकों से और पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स को या चाइनीज वर्कर्स को थ्रेट करने का क्या पर्पज़ हो सकता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर वर्किंग ऑन सी पैक ऑब्वियसली ठीक है और वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ठीक है gotcha. आप चाइना को पाकिस्तान में थ्रेटन करना शुरू कर दें ठीक है और आप चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के माइंड में ये कंसर्न डालना शुरू कर दें कि अच्छा जी आर पीपल चाइनीज़ आर नॉट सेफ़ इन पाकिस्तान ठीक है तो ऑबियसली आपका जो सी पै सी पैक के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है वो एट स्टेक चले जाते हैं और परसों जब शेख रशीद जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के उनके साथ चाइनीज़ एम्बेसडर जो पाकिस्तान में चाइनीज़ एम्बेसडर हैं मिस्टर नॉन्ग रॉन्ग उनकी जब मुलाकात हुई तो वो बार बार किस चीज़ पे एम्फोसाइज़ कर रहे थे कि पाकिस्तान शुड इंक्रीज़ सिक्योरिटी uh, हाँ hmm. जो चाइनीज वर्कर्स हैं इन पाकिस्तान उस पर पाकिस्तान को कुछ uh, मतलब स्टेप्स uh, um, लेने की जरूरत है और उसको बढ़ाने की जरूरत है किसी की एग्जैक्टली तो होना चाहिए exactly. तो पाकिस्तान क्या कर सकता है पाकिस्तान अपने आई बी ओज लाइक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उन उनको uh, मतलब एक्सेलेट कर सकता है उन पे ज़्यादा काम कर सकता है ताकि आप इन, मतलब टारगेट टिड तरीके से उन लोगों को मतलब देखें जो आ, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो इसमें आई जस्ट नो वन थिंग कि इसी थ्रेट वगैरह से जो सिक्योरिटी कम है इस वजह से किस टू वट एक्सटेंट इज़ इट रिस्की फॉर सी और लाइक सबको लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना थ्रेट पोज कर रहा है सी के लिए

तो एक लिमिट आएगी यू विल आस्क मी कि यार अगर तुम इसको सिक्योर कर सकती हो तो ठीक है अदरवाइज़ मैं किसी और को दे देता हूँ ठीक है यू अंडरस्टैंड इट तो सिक्योरिटी आपका जो, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है चाइनीज ह्यूमन रिसोर्स है उसकी सिक्योरिटी तो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है ना फॉर चाइनीज अथॉरिटीज़ ठीक है क्योंकि वहाँ पे बैक इन चाइना ठीक है आपके चाइनीज गवर्नमेंट पे एक पब्लिक प्रेशर आता है ना कि हम यहाँ से लोग अगर चाइनीज़ भेज रहे हैं और वो सिक्योर नहीं हैं है। तो हम क्यों उनको वहाँ पे रखें तो बनती है और ये ये फिर ये बात भी बनती है कि ऐसी कौ, कौन सी पार्ट ऐसा कौन सा स्टेट है जो सी की आ, CPEC को ग्रोथ करता नहीं देखना चाहता और एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है आ, अभी जो अफगानिस्तान की सिचुएशन के हिसाब से ना टी टी पी वो बार बार बात हो रही थी कि री रिसर्जेंस ऑफ टी टी पी की अच्छा जी तालिबान क्योंकि गए हैं अफगानिस्तान में तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में टी टी पी अपनी एक्टिविटीज को मतलब स्टार्ट करेगी तो तालिबान ने बहुत क्लियर स्टांस अभी जो रिसेंट उनकी स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने बहुत क्लियर स्टांस लिया है कि जी हम टीटीपी के जो लोग हैं उनको अफगानिस्तान में नहीं आ, कोई भी सेफ हेवंस बनाने देंगे दे शुड गो बैक टू पाकिस्तान विद देयर फैमिलीज़ ठीक है और ए, एक तरह से ये बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी है अगर मैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव से देखूं कि आपका सबसे रीजन में जितने भी ममालिक हैं ना उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न है इन अफ़गानिस्तान करेंटली वो ये है कि अफगानिस्तान की सॉरी क्योंकि अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है ठीक है और प्रीवियसली uh, जो अभी भी तालिबान को वेस्ट में यहाँ पे भी मतलब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाता है ठीक है तो सबसे जो बड़ा कंसर्न है वो ये है चाइना का भी पाकिस्तान का भी रशिया का भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी कि जो वहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अफगान सॉइल को यूज़ ना करें डिफरेंट कंट्रीज़ के अगेंस्ट ठीक है तो अगर तालिबान इस चीज़ पर क्लियर स्टांस रखते हैं कि कोई भी उन्होंने चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये बार बार ये चीज़ बावर करवा कर है कि जी ई टी है जो चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ठीक है हुँ. उसको वो अफगान सॉयल यूज़ नहीं करने देंगे दिस इज ईस्ट तुर्क मूवमेंट इस्लामिक मूवमेंट ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाँ ठीक है, है।, है? है तो वो मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना कि आपकी आप एक क्लियर स्टांस लेके अब आगे जा रहे हैं कि

क्योंकि मैं जो आ, टीटीपी में भी और अफगान तालिबान में मेजोरिटी क्योंकि पश्तून है ठीक है दे पिक द वर्ड तालिब ठीक है हाँ स्टूडेंट विच इज स्टूडेंट ठीक है तो वो बस सिर्फ नाम की नाम, एक वर्ड हाँ, सेम हाँ, होगा तो हाँ, आई थिंक जैसे मेरे जैसे बंदे के लिए इस एक कीवर्ड का सेम होना भी मुझे इन दोनों को मेरे दिमाग में जाते कंफ्यूजन कंफ्यूजन करता है एग्जैक्टली कंफ्यूजन होती क्यों है लाइक क्या एजेंडा

अब हमारे साथ तो वो जुड़ चुका अब फिर वो उसमें फिर वो एक कीवर्ड जैसे बोला तालिबान का सेम है तो हमारे साथ दिमाग का तालिबान तो से से लेकिन लेकिन इनके जो एजेंडाज है ना अगर आप इनकी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स देख लें ठीक है वो सेम नहीं है ठीक है ताल जो अफगान तालिबान हैं दे ओनली सीख मतलब उनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि फॉरेन जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं ठीक है उसको आप वो बस, बस हाँ वो अफ़गानिस्तान से निकल जाए ठीक है और उनका कोई एक्सेप्शन एक्सपेंशनिज्म uh, का कोई भी आइडिया नहीं है कि हम जी अफगानिस्तान को पूरे रीजन में ले जाएंगे और ये कर देंगे दे। वो कर दें नो no. उनका सिर्फ ये था कि जो आपकी फोर्सेस हैं जो फॉरेन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस वो निकल जाएं एंड एक इस्लामिक रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो ऑन दी अदर हैंड जो डिसग्रंटेड एलिमेंट्स थे जिन्होंने टीटीपी पाकिस्तान में बनाई ठीक है वो बेसिक जो आइडिया था वो एंटी आर्मी स्टांस था उनका ठीक अच्छा। है जो फिर एंटी स्टेट स्टांस बन गया अच्छा यस yes. hmm. और फिर वो फिर वही हाइब्रिड वॉर पे बात आ जाती है कि इस तरह के डिस्क्रेंटल एलिमेंट्स को फिर बहुत आराम से फंडिंग भी मिल, जाती है।, है। मिल जाती है ठीक है? है क्योंकि आपके जो एनिमीज़ हैं वो डिफरेंट मेन से वही एक गोल अचीव uh, करने की कोशिश hmm. कर रहे हैं तो हमने पड़ोस ख़त्म करने से पहले पहले एक दफ़ा क्विक आउट कर लेते हैं जैसे मैंने कल एपिसोड भी किया था क्विक एक रन थ्रू कर लेते हैं अफगानिस्तान के ऊपर बिकॉज़ पंजशीर इस्टिल लाइक ट्रेंडिंग इज अ ट्रेंडिंग हैशटैग ऑन ट्विटर पिछले तीन दिन से है तो mm अफिरा -hmm. अगर आप एक क्विक uh, अपडेट दे सकती हैं लाइक 1 टू 2 मिनट्स ऑन पंजशीर एंड इफ यू कैन गिव द ऑडियंस सम कीवर्ड्स दैट दे इफ दे वांट टू डू देयर ओन रिसर्च दे कैन सर्च दो जस्ट लाइक मरियम डिड यस्टरडे मरियम रेजिडेंट अफगान एक्सपर्ट अफिरा इज रिप्लेसिंग हर अफिरा इज आवर नेक्स्ट अफगानिस्तान एक्सपर्ट सो इफ यू कैन डू दैट देन वी रैप अच्छा पंजशीर में बेसिकली रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी अमरुल्ला सोले Who is a former फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट हु क्लेम्स टू बी दी प्रेजिडेंट ऑन president ठीक the the president president Twitter. तो मतलब उसने और जो अहमद मसूद ने एक रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी कि जी हम तालिबान के अगेंस्ट एक resistance मूवमेंट करेंगे और हम अपनी जो टेरिटी है वो वापस लेंगे ठीक है तो उसमें बहुत डिफरेंट किस्म की क्योंकि सिचुएशन इवॉल्विंग है डेवलपिंग है उसमें बहुत बार बार डिफरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं उसमें ये भी है कि दे अब तालिबान ने उनको इंसर्कल किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात बातचीत करके इस मामले को सेटल डाउन कर लें बट अगेन हाइब्रिड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो अमरुला सोले वॉज़ पार्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट ठीक है and we all know हाँ एंड वी ऑल नो हाँ एंड वी ऑल नो कि जो प्रीवियस अफगान गवर्नमेंट थी वो कितनी क्लोज थी थी टूवर्ड्स तो इंडिया ठीक है yes. और वो किस तरह से उसको यूज़ कर रहे थे तो अगेन वही हाइब्रिड वॉर कि इंडिया इज़ बैकिंग रेजिस्टेंस मूवमेंट इन अफगानिस्तान नाउ ठीक है तो बेसिकली uh, तो अभी यही हो रहा है कि uh, जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स जो रेजिस्टेंस मूवमेंट वालों ने ये कहा था कि हमने कैप्चर कर ली हैं

तालिबान की प्रेजेंस है उसको देखें ना तो तालिबान ने सारे बॉर्डर एरियाज इस दफ़ा पहले उन्होंने नॉर्थ से स्टार्ट किया था और बॉर्डर एरियाज से स्टार्ट किया था ठीक है तो दे आर एक्चुअली एन एनसर्कल्ड मतलब जो पंशीर में लोग बैठे हुए हैं ना ठीक है मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मैंने जियो न्यूज़ के साथ आम, यूनस कानूनी का एक इंटरव्यू जो फॉर्मर अफगान फॉरेन मिनिस्टर है उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी परसों और वो ये कह रहे थे कि अहमद मसूद के साथ उनके बहुत क्लोज अभी तक बातचीत होती है mm -hmm. और अहमद मसूद इज़ स्टिल ऑफ द व्यू कि जी हम बातचीत कर लें ठीक है और हम इस पे कोई सेटलमेंट पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लें विद mm -hmm. तालिबान ठीक है लेकिन वो बार बार अमरुल्ला सौलै की जो एक शेडो है ना वो शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो ओवर शेडो रहा है hmm. तो अभी उस पर क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कितना ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे कोई आर्म्ड मूवमेंट होगी hmm. या नहीं होगी बट येस एक चीज़ के ती, अगर तीन लाख फौज थी अफगानिस्तान की ठीक है hmm. और उन्होंने सरेंडर किया था विच मीनस के एग्जैक्टली तीन लाख ने नहीं सरेंडर किया होगा कुछ ना कुछ लोग होंगे जो अभी भी रेजिस्टेंस करना चाहते होंगे सो लेट्स सी कि वो कितनी कोई

पर्सनली uh, हमारे में से हम तीनों में से कोई एक कल की पॉडकास्ट होस्ट करेगा आज स्पॉइलर नहीं देते कल इन्होंने <laughs> हम तीनों में से कोई एक जो है वो मैं तो नहीं कर सकेंगे मैंने कल की दोनों में से कोई एक <laughs> कल की पॉडकास्ट को होस्ट करेगा <laughs> और वो आपकी कॉमेंट्स का कर, रिप्लाई करेगा तो मेक श्योर टू लीव कॉमेंट्स और दैट्स अबाउट इटे